संतोष व लता धनगा था। स्वराज की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र की मिट्टी में जन्मी दो वीरांगनाओं की, जिनके स्वराज की गूंज ने असम की धरती पर क्रांति की मशाल प्रज्वलित कर दी थी। गुरु और शिष्या की इस जोड़ी का नाम था पुष्पलता दास और कनकलता बरुआ। क्या कर रहे थे आप? मुझे छुप कर गई। अभ्यास जारी रखती हो ना, बहुत खुश दिखाई देती हो। अरे सुनो, अब कहाँ कर पाऊंगी ये सब। अब तो लगता है जैसे नाचना मैं भूल ही गई हूँ, और आपके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये गलत बात है, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने लोगों के लिए अपने नृत्य को स्टेज पर पेश कर चुकी हो, हमारा तो अधिकार है अपनी पत्नी के नृत्य को देखने का। अरे लता। ना बाबा ना, वो तो पहले की बात थी, अब तो लगता है किसी के सामने नाचते हुए भी हाथ पाँव फूल जाएंगे। ये वही बाहुल में अंग्रेजों के खिलाफ से निकाली गई थी, और जो अपनी पैरवी पे आ जाए तो जज साहब को भी पानी पिला दे, और अब अपने पति के सामने नाचने से घबराती है। आप भी क्या बात लेकर बैठ गए। चलिए मैं आपके कपड़े तय कर देती हूँ, कल तेजपुर जाना है ना। की हो लो? कल मैं तेजपुर नहीं जा पाऊंगा। क्या हो गया? सब ठीक? वहां पर आपके आने का सब राह देख रहे होंगे। मेरा वहां होना भी जरूरी है। तो फिर अब क्या होगा? तेजपुर का आयोजन टल जाएगा? नहीं, मेरी जगह तेजपुर अब तुम जाओगी। मैं पर मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है। तैयारी नहीं है? तुम बचपन से तैयार हो। 6 बरस की उम्र से तुमने अपने आप को इस देश के लिए समर्पित कर दिया है। सभाओं में, रैलियों में हिस्सा लेती हो, मृदुला साराभाई और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तुम क्रांति का हिस्सा बनी हो। इतना साल तुमने मेरा साथ दिया है, मेरे भाषण तुम लिखती हो, मेरे भाषणों में जो गलतियां होती हैं उन्हें भी तुम सुधारती हो, और हमेशा अपने फैसले पर हर परिस्थिति में डटी रहती हो। तुम तैयार हो। बहु की बात अलग है ये तो, और फिर सब आपसे मिलने आ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये देखा, कितना बुरा नाच रहा हूं ना, लेकिन तब भी डटा हुआ हूं। तुम कर लोगी, तुम भी कर लोगी। तुम जानती हो ना, तुम मेरी प्रेरणा हो, और अब उन सब की प्रेरणा बनोगी। प्रेरणा तो आप हैं मेरी, और मेरे गुरु भी हैं, और आपके मार्गदर्शन से। Look, Jackson, look. How proudly our flag flies on this land.
यह है और हमेशा रहेगा द ब्रिटिश एम्पायर। इन देयर इज नो इफ जैक्सन, दिस इज नेवर गोइंग टू चेंज, वी वोंट लेट दैट हैपन। हैव अ गुड लुक अराउंड यू, वो गांधी सबको भड़का रहा है। डिड यू नॉट हियर, अंग्रेजों भारत छोड़ो हर तरफ गूंज रहा है। आई हर्ड दैट गांधी हैज स्टार्टेड अ मोमेंट, एंड मोमेंट विल डाई लाइक नॉन कोऑपरेशन मोमेंट। डोंट स्वेट ऑन इट, यहां आसाम तक उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। तो उन्हीं का लोग, ये दरोगा मोहितर बोरा और रेवती मोहन, उन लोगों को मारेगा। हमें बस ऑर्डर देने का जरूरत है। आग असम की हर गली हर घर तक पहुंच चुकी थी। अंग्रेज बेखबर नहीं थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि हालात इतने बेकाबू भी हो सकते हैं। ताकतवर होने का ये भी एक नुकसान है। बारंगबारी के ऐसे ही एक छोटे से मोहल्ले में लिए तैयार हो रही थी एक नकलता। जोन शक्तिशाली भारत लाई आहार कोई नौजवान। क्या गाई जा रही है और इतने देर कहाँ लगा दी? तार भी पल बोल मृत्यु बिजोई करीबो लगी वो स्वाधीनों तर खुली द्वार। स्वाधीन तोर खुली द्वार कहाँ मिल रही है स्वाधीनता? सिपाही बाबू आसपास ही घूम रहे हैं। मिल जाए, लेकिन क्रांति और बलिदान ती बाबू बोले हैं अपने कविता में। वो पुरुष हैं इस क्रांति में। चल हाथ बटाओ। कनक, कनक चलो। कहाँ? अरे चलो तो। अरे चलो ना। लुई तार पारो रे आमी देखा लोरा मोई बोलो भोए नाही। लुई तोर पारो रे आमी दे। आज हमारे बीच में है हमारे क्रांतिकारी साथी और असम महिला कांग्रेस की संयुक्त सचिव पुष्पलता दास जी। अब इनकी तारीफ में मैं क्या कहूं? 6 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया था। जब ये बानर सेना में खुद जाकर भर्ती हो गई और जब विद्यालय गई तो भगत सिंह के फांसी लगने पर इन्होंने ऐसी आवाज उठाई कि इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन वो दिन है और एक आज का दिन है। पुष्पलता जी ने अपनी आवाज को कभी दबने नहीं दिया और आज इनकी वही बल प्रदान करने वाली आवाज हमारा मार्ग प्रशस्त करेगी। आइए पुष्पलता जी। तेजपुर के हमारे सभी भाई बहनों को हमारा नमस्कार। ज्योति दादा ने जितनी तारीफ की मैं उन शब्दों के लायक नहीं। ज्योति दादा तो खुद एक आदर्श है। इनमें अपनी पढ़ाई छोड़कर वो अपनी कविताओं से नौजवानों को प्रेरणा देते हैं और आज इन्हीं के गीत युद्ध घोष की तरह पूरे अहोमिया लोगों के बीच गूंज रहे हैं। लुई तोर पारो रे आमी देखा लोरो मोई बोलो भोए नाही। लुई तोर पारो रे आमी देखा लोरा मोई बोलो भोए नाही। आप सबको पता है कि बापू के कहने पर हम क्रांति का हिस्सा बन गया है। जब इसकी मिट्टी को इसका मतलब हम जब हम में से एक एक इस बार हमारे दारंग जिले के देशभक्तों के लिए इस क्रांति में भाग लेने का एक सुनहरा मौका है और वो मौका मिलेगा 20 सितंबर को। कब मिलेगा? 20 सितंबर को दारंग जिले के 5 पुलिस चौकी पर हम अपने देश का ध्वज फहराएंगे। इस क्रांति में जो भी भाग लेना चाहता है वो अपना हाथ ऊपर करे।
चलेंगे एक स्वर में, करो या मरो, करो या मरो। 20 सितंबर को असम के दारंग जिले की 5 पुलिस चौकियों पर भारत का ध्वज फहराने के लिए एक सुदृढ़ योजना तैयार की गई। छोटे छोटे समूह बनाकर हर समूह को अलग अलग स्थानों पर भारतीय ध्वज फहराने का दायित्व सौंपा गया। ये युद्ध हमारे अधिकार के लिए, अधिकार के लिए है। हम आज ये शपथ अंग्रेजों को इस धरती से उखाड़ फेंकेंगे, आज वो भी बिना शर्त। वंदे मातरम्। बाबू का बुलावा है, निकलिए अपने घरों से, अपने खेतों से निकलिए और इनकार कर दीजिए इनके कानून मानने से। ना हमारे जवान इनके लिए विश्व युद्ध में हिस्सा लेंगे और ना ही हम इन्हें कोई युद्ध से जुड़ा कर देंगे। अपना विश्व युद्ध जीतने के लिए ये हमारा धन और हमारी श्रम शक्ति दोनों का उपयोग कर रहे हैं। अब इन फिरंगियों की मनमानी नहीं चलेगी। इस बार की क्रांति अंग्रेजों पर अंतिम प्रहार है, इसलिए इस अंतिम प्रहार में बाबू का आह्वान है, करो या मरो, करो या मरो। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये शक्ति मंत्र है जिससे कभी ना अस्त होने वाले ब्रिटिश राज का सूरज यहाँ पूरब में अस्त हो जाए। सत्याग्रह से भर दो इनकी जेले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। वंदे मातरम्। भारत छोड़ो आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने असम समूह में बांटने का फैसला लिया है। एक समूह का नाम होगा शांति वाहिनी और नृत्य वाहिनी। शांति वाहिनी के सभी सदस्य भारत छोड़ो आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेंगे। रैली, धरना, भाषण, विरोध और जनता के साथ घर घर जाकर मिलना, ये सभी दायित्व होंगे शांति वाहिनी के पास। होगा नृत्य वाहिनी, जिन्हें इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहना होगा कि आहुति देने के लिए हम सब तैयार है। लेकिन मृत्यु वाहिनी के लिए चुनौती अधिक बड़ी होगी, क्योंकि मृत्यु वाहिनी के लिए जो कहा गया है उसमें उन्हें अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेनी होगी और वो कार्य है 20 सितंबर 1942 को दारंग के जिला मुख्यालय सब डिविजन के 5 थाने तेजपुर, बेहाली, सूतिया, गोपुर और ढेकियाजुली में हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना। कमल उपस्थित होंगे। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? समझ में नहीं आ रहा था, कुछ लोग कुछ भारत छोड़ो भा... चलाना क्यों सिखाती है? ये सिर्फ चरखा नहीं है कनक, ये हमारे समाज की आत्मनिर्भरता का चक्र है। ये सिर्फ सूत को ही नहीं बुनता बल्कि हमारी आर्थिक आजादी के धागे को भी बुनता है, जिससे हम विदेशी माल का त्याग कर सके, हंस सके। लेकिन दीदी, क्रांति के लिए सूत काटना क्यों जरूरी है? देखो कनक, पहले स्वराज की लड़ाई को समझो। ये भूमि हमारी है, यहाँ नमक जैसी मामूली चीज जो अपने आप बन जाती है, उस पर भी ये अंग्रेज भारी टैक्स लगाकर पैसे कमा रहे हैं। जो फसल हम उगाना चाहते हैं
ये हमें उगाने नहीं देते हैं। कपास, नील और इस तरह के कच्चे माल उगाकर ये विदेश में थोड़े से पैसे मिलते हैं और रहता है। ये अपना माल यहाँ लाते हैं बिना कोई सीमा शुल्क दिए। विदेशी माल बेचना है तो इन्हें सीमा शुल्क देना चाहिए, लेकिन नहीं देते हैं। इनका माल यहाँ सस्ता मिलता है क्योंकि इन्हें तो कोई सीमा शुल्क देना ही नहीं पड़ता। इनकी दुकानदारी चलती रहती है, लेकिन हमारे व्यापारी और किसान दोनों भूखे मर रहे हैं। ऐसे में हमने फैसला किया है कि हम इनसे कुछ नहीं खरीदेंगे, हम इन्हें कमाने नहीं देंगे। इसीलिए जरूरी है स्वदेशी पहनना और स्वावलंबी रहना, ताकि हम स्वाधीन हो सकें और इन पर निर्भर ना रहें, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके, ताकि हम स्वाभिमान से जी सकें। अब समझ आया कि चरखा हमारे मूल्यों से कैसे जुड़ा है? बहुत प्यारी है। मुझे जानो दीदी, नहीं बच्चियों, तुम कुछ नहीं जानती। मृत्यु वाहिनी में होने के लिए सदस्य को कम से कम 18 साल का होना जरूरी है। किंतु 18 साल हो या 17 साल, क्या अंतर है? के लिए बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं कनक, के लिए मरना तो सौभाग्य की बात है। अब तो मैं अपने रक्त से प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं मर, और अगर आज भी आपने मना किया तो भी मैं। बहन, जिस देश में तुम्हारे जैसी बेटी पैदा हुई है, उस देश का भाग्य उदय बहुत जल्दी होगा। आज से तुम मृत्यु वाहिनी की सदस्य हो और मृत्यु वाहिनी के महिला समूह का नेतृत्व भी तुम ही करोगी। एक और बात दीदी, गोपुर पुलिस स्टेशन में मैं चाहती हूँ कि मैं ही फराऊ। जिस उम्र में लड़कियां सजने संवरने और शादी के सपने देखती हैं, उस उम्र में कनक लता स्वराज के लिए मर मिटने की तैयारी कर रही थी। कनक लता बरुआ गोहपुर पुलिस थाने पर झंडोत्तोलन की तैयारी कर रही थी, तो दूसरी ओर ढेकियाजुली गांव के पुलिस थाने पर झंडा फहराने के लिए ओलक चंद्र नियोग, मनवर नाथ और चंद्रकांत नाथ अधीर हो रहे थे। मृत्युवाहिनी के इन तीनों सदस्यों को विशेष कर इसी काम के लिए चुना गया था। क्रांतिकारी राधभर ज्योति प्रसाद अग्रवाल द्वारा लिखे हुए देशभक्ति के गीत गाते रहे। बेटा, वो माँ बहुत खुश नसीब होती है जिसे अपने बेटे को देश के लिए समर्पित करने का मौका मिलता है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ो बेटा। हम गोलक चंद्र नियोग शपथ लेता है कि मृत्यु वाहिनी का सदस्य बनकर भारत माता को अपना जीवन समर्पित करेगा। माँ, खाने का मन हो रहा है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? हम बार बार जुलूस में शांति बनाए रखने के लिए बात करते हैं, लेकिन क्या अंग्रेज सब कुछ शांति से हो जाने देंगे? अगर उन्होंने हम पर हमला किया या गोली चलवाई, फिर क्या करेंगे? अपनी जान देंगे? हमारी छोड़िए, आप अपनी बताइए। ऐसे में आप क्या करते? क्या आप जान देने के लिए तैयार हैं? मैं मनवरनाथ शपथ खाता हूँ भारत माता के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान, मृत्यु वाहिनी का सदस्य बन अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा।
हम चंद्रकांत नाथ आज ये शपथ खाता है कि हमारा देश ही हमारा परिवार है, हमारा दोस्त है और हमारा प्यार है। और आज हम इस मृत्यु वाहिनी का सदस्य बनकर अपने प्यार के लिए हर बलिदान देगा। तुम्हारे बाबा देश के लिए लड़ने जा रहे हैं, अगर वापस लौटा तो तुम्हारे साथ खूब खेलूंगा। पर अगर नहीं लौटा तुम्हारे लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अपनी माँ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी। हाँ ओमियो बाबू का तबीयत अब कैसा है? ज्योति दादा समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है। अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। सोचा आकर एक बार देख लेती हूँ, इसलिए गोहपुर से यहाँ तेजपुर आ गई। पर वो कह रहे कि तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें तो गोहपुर में रहना चाहिए। तुम्हें ढेकिया जुली में ध्वज फहराना है, वहां का नेतृत्व भी करना है, तो तुम सिर्फ उस पर ध्यान दो। तुम तो उन्हें अच्छी तरह से जानती हो कि उन्हें ना अपनी चिंता है ना अपने स्वास्थ्य की। चिंता है तो बस अपने देश की। और आसपास जो हो रहा है देख भी तो रही हो ना, कितना कुछ हो रहा है। शायद वो भी यही चाहते हैं कि तुम उनकी चिंता छोड़कर सारी तैयारियों में लग जाओ। आप काम बहुत है और समय। ये सब क्या हो रहा है? हमें खबर मिली है कि सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का रही हो, अशांति फैला रही हो। हम कोई अशांति नहीं फैला रहे हैं। चोरी चोरी ये झंडे क्यों बनवा रही हो? इस देश का फ्लैग यूनियन जैक है। अरेस्ट करो इन लोगों को, हमारे पास फरमान है अरेस्ट करने का। आपको क्या लगता है हो जाएगी? दरोगा बाबू इस बार तो करेंगे या मरेंगे? मरेंगे। नजर उठा के देख, जब तक वो वहां है ना तू अपना झंडा नहीं फहरा सकता। आगे बढ़ो, वंदे मातरम। अब अपने हाथों से खा लिया करो,
मेरे बिना खाने की आदत डाल लो। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? मैं कहीं जा नहीं रही, बस ये कहना था कि अब इतने बड़े हो गए हो, सारी जिंदगी थोड़ी ना मैं खिलाऊंगी। अब ऐसा क्यों बोल रहे हो दीदी? नहीं बस ऐसे ही, दीदी कहती ना आत्मनिर्भर बनो इसलिए। और याद रखना, मैं तुम्हारे पास रहूं ना रहूं, तुम्हें अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई करना है और अच्छे से रहना है। आखिर आज करो या मरो का दिन आ ही गया। आज हम ढेकियाजुली पुलिस थाने पर अपना झंडा फहराएंगे, लेकिन याद रहे कोई भी हिंसा नहीं करेगा, और हम जो भी करेंगे शांतिपूर्वक करेंगे। मृत्यु वाहिनी के लिए चुनौती अधिक बड़ी होगी, निर्धारित किया गया है उसी होगी। क्या आज हमारी साड़ी पहन लिया? कोई पूजा में जा रही हो क्या? हाँ भाई, आज बहुत बड़ी पूजा है। अरे बहुत सुंदर लग रही, पर आज पैर क्यों छू रही हो? कुछ नहीं भाई। आगे बढ़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो, 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 अंग्रेजों भारत छोड़ो। मोइदर, तू यहाँ नौकरी कम आसान हो जाएगा। भाई और बहनों, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। भाई रुक जाओ। दादा, कल रात को पुष्पिता दीदी को गिरफ्तार कर लिया गया तेजपुर में। क्या, ज्योति दा तो आ रहे हैं ना? नहीं, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, कई बड़े नेता लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब हमारा क्या होगा? पुष्पलता दीदी हमारे आगे चलने वाली थी, फहराने वाली थी, अब कौन चलेगा हमारे आगे? अब यहाँ तक आ गए हैं, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। आगे तो हम बढ़ेंगे और गोपुर थाने पर हमारा झंडा भी फहराएंगे। लता, हमको लगता है कि पहले पुरुषों की डोली को आगे जाना चाहिए। तुम बहुत छोटी हो, इन अंग्रेजों को नहीं जानती, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी चिंता है, अब मुझे पीछे रखकर खुद आगे जाके पहले बलिदान देना चाहते हैं। लेकिन देश सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। हम पर भरोसा रखिए, आज मुझे जाने दीजिए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत
नजर उठा के देख क्या है वहां, अंग्रेजों का। तू अपना झंडा नहीं फहरा सकता, निकल यहां से। तू डर रहे ना, तू डर मत, ये हम जो भी कर रहे हैं अपनी भूमि के लिए कर रहे हैं। रुक जा कमल। अरे वाह, लगता है अपने कपड़ों के साथ साथ तूने अपनी आत्मा को ही बदल लिया है। तू सिर्फ उनका गुलाम नहीं, उनका पालतू कुत्ता बन गया है। अभी भी वक्त है बोरा, देख ये सब तेरे भाई हैं, अपने देश का झंडा फहराने आए हैं, बस हमें एक बार अंदर आने दे। तेरी एक बार इसे उठाकर तो देखो, लो उठाओ इसे। अब भागे हो तुम जो अपनी का ध्वज उठाने से डरते हो, अब हट जाओ हमारे रास्ते से। मैं कहता हूँ रुक जाओ, वरना मैं सच में गोली चला दूंगा। आगे बढ़ो, वंदे मातरम। याद रहे हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर सामने वाला शांति नहीं चाह रहा तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। हमारे पास शांति वाहिनी भी है। जिसके हाथ में झंडा है, अगर उसे गोली लग गई है और झंडा नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरे पुलिस वालों से कह दीजिए कि हमारे लोगों को मारना और धक्का मुक्की करना बंद करे। ये पश्चिमी गेट पर हम शांति से झंडा फहराकर यहाँ से चले जाएंगे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। पता है ना तुमको, सरकारी चौकी में बिना अनुमति क्या सजा है? सरकार की चौकी? तुम्हें ये भी नहीं पता कि पुलिस थाना हमारा है, हमारे लोगों के टैक्सेस के पैसों से बना है, यहाँ तक कि तुम्हारा वेतन भी हमारे पैसों से मिलता है, फिर भी तुम ये अंग्रेजों के गुण गाते हो। कहाँ भेजा हो अपनी आत्मा को? ये चुप, ये तेरी सभा नहीं है जो भाषण देती है यहाँ। चल भाग यहाँ से, भाग। तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ तुम्हें यहाँ ध्वज फहराने नहीं दिया जाएगा। वंदे मातरम। दरोगा बाबू, बातों में बहुत समय बर्बाद हो चुका, अब हमें हमारा काम करने दीजिए। और एक बात बता दूं, हम यह ध्वज फहराए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। एक बात मैं तुम्हें और बता दूं कि तुम्हें यहाँ ध्वज फहराने नहीं दिया जाएगा। देखते हैं, देखते हैं। वंदे मातरम।
वंदे मातरम। तेजपुर सब डिवीजन के अलग अलग पुलिस थानों में यही हाल था। पुलिस क्रांतिकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसा रही थी, लेकिन स्वराज के सिपाहियों को केवल अपने लक्ष्य की परवाह थी। मृत्यु वाहिनी के सदस्य ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे और एक एक कर पुलिस की गोलियों से वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। उधर ढेकियाजुली में मनबरनाथ, कुमोली देवी सहित कई क्रांतिकारी गति को प्राप्त हुए तो गोहपुर में कनकलता बरुआ और मुकुंद काकू हुतात्मा हो गए। देखते ही देखते पुलिस स्टेशन के सामने क्रांतिकारियों के शवों के ढेर लग गए। Old girl, 17 years old. You were telling me she led this revolt. ये सारा लोग उस लड़की का बात सुनकर मर गया। Yes sir. उसका नाम कनकलता बरुआ है। लेकिन तुम लोग उनको रोक क्यों नहीं पाया? You had information. फिर सबसे पहले उन पर action क्यों नहीं लिया? Damn it! सबको arrest करके jail में डाल देना चाहिए था। वहाँ क्रांतिकारियों की संख्या बहुत थी। हमको ये सारा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। I only know that you failed. No, sir. हम फेल नहीं हुए हैं। हमने आपकी इज्जत बचा ली है। हमने उन्हें यहाँ भारतीय ध्वज फहराने नहीं दिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कनकलते बाकी सदस्यों का अधूरा काम पूरा किया एक नौजवान ने, जिसका नाम था रामपति राजखोआ। उसी शाम यानी 20 सितंबर 1942 को बड़ी ही समझदारी से बिना पुलिस को भनक लगे रामपति ने गोहपुर पुलिस थाने पर भारतीय ध्वज फहरा दिया। रामपति राजखोआ को गिरफ्तार कर लिया। नागांव पुलिस चौकी में भी 60 साल की भोगेश्वरी फुकनानी भारत का ध्वज फहराते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कनकलता बरुआ और तिलेश्वरी बरुआ के अलावा कई महिलाएं इस ध्वजारोहण क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुई। कनकलता बरुआ को उनकी वीरता के लिए पी पुष्पलता दास चिन्हे से पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 3 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया, जहां उनका स्वागत लगा। Mrs. Das, due to health reasons, the government has decided to release you on parole. But there is one condition. आपको parole पे हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमारी pension accept करेंगी। आप कितने धूर्त हैं आप लोग। तुम्हारी पेंशन का मतलब है
तुम्हारी दास्ता जो मैं मरते दम तक स्वीकार नहीं करूंगी। मैं दो अपने आला अधिकारियों से कि पुष्पलता का स्वाभिमान मोल नहीं बिकता। जब तक स्वराज नहीं मिल जाता। खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी पुष्पलता दास ने के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए और वे अपने उसूलों पर अड़ीग रहे और स्वराज के लिए लड़ती ही रहे। स्वराज की ऐसी जुझारू नायिकाओं को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह की महान गाथा। महावीर, सुना है कैदी मौत की भूख मांगता है लेकिन कोई काला पानी आना नहीं चाहता। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम स्वराज के लिए जरूर लड़ेंगे। सुखदेव थापर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, हमारा नाम है महावीर सिंह राठौर। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। यहाँ एक बार हाथ मिला लिया तो वीर गति तक साथ निभाना है। ये आचार्य क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसमें होता क्या? क्रांति। क्रांतिकारी मत कहो उन्हें, सब गद्दार हैं। अब तो जो हश्र आपका होगा वही हश्र हमारा होगा। क्या करेंगे ये लोग? ब्लडी कावर्ड्स। लड़ना है तो स्वराज के लिए लड़ो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद।